हल्का दिया आज तो रोशनी ने पूरा, इसके पीछे ही सुबह से लगे हुए हैं। एक टाइम ऐसा था ना कि वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आपको जैसे लग दिख ही रहा होगा शॉल मैंने ओढ़ ली है, ठंड लगनी चालू हो गई है और थोड़ी थोड़ी मुझे तो हालांकि बहुत ज़्यादा ही ठंड लगती है, इसलिए मैं तो पहले से रिस्क लेती नहीं हूँ। ठंड लग रही है तो ओढ़ ही लो। और हमारे मिट्टू ने कल क्या काम किया वो दिखाती हूँ मैं आपको। हमारे यहाँ पर आर्टिफिशियल दीमक आई है, देखो आर्टिफिशियल दीमक है नी, ये मिट्टू की चोंच से दीमक आई है पूरे, यानी कुछ मिलना चाहिए, बिल्कुल मज़ा आ जाता है इनको खुद कुरेदने का। यहाँ पर इनकी सीढ़ी थी, ये सीढ़ी आधी कर दी इन्होंने, आधी क्या कर दी, ख़त्म ही कर दिए, बस वो लास्ट पॉइंट पे आ गई है। आज हालांकि कामवाली का हमारा जुगाड़ हो गया है, आई होप कल से कामवाली आ जाए क्योंकि मम्मी को आज बात करने के लिए शाम को आएगी। और यहाँ पर दूध वगैरह एक तरफ गर्म हो रहा है तो आज के दिन तो मुझे ही काम करना है, तो फटाफट से काम करती हूँ मैं और बिनादी को भी फ़ोन करती हूँ कि काम हो जाता है उनसे बातें करते करते। बोलो इसको, बोलो मिट्टू कुछ नहीं करेंगे, दूर है मिट्टू तो। अरे यार इधर देखो ना हिमायरा, फोन करवा के इधर देख नहीं रही हो, ये कंफ्यूज हो गई है, दो दो जगह बातें करती करती। सो फ्रेंड्स काम वाली तो आ चुकी है पर पीछे पीछे मैंने कहा काम कर लेती हूँ मैं, खाना बना देती हूँ। और खाना बनाने में हेल्प कौन कर रहा है, हिमायरा हेल्प कर देते, वो कितना काम लेके बैठी है, जचन छिल्ली है, ये लचन कूट रही है ना बेटा, कब काम कर लो बता दो, हाँ डाल दो, हाँ कर लो। और यहाँ पर मैं लौकी की सब्जी फ्राई कर रही हूँ, जो तड़का लगा दिया है ये यहाँ लौकी कट कर रख दी है। खाना बन रहा है अभी, क्या बस हो गया बेटा, लहसुन नीचे नहीं कूटना है, हो गई है सब्जी अपने, ले लो काम करना है। पनीर चिल्ली, शिमला मिर्ची किसी के भी अंदर आएगी वो पनीर चिल्ली है ना। क्या खा रही है मम्मी, मम्मी वाले स्प्राउट्स मूंग, इसको अच्छा लगता है खाना। सिर्फ रोटी बनानी है बाकी है, हिमायरा से बातें करते करते खाना भी पूरा बन गया, उसने भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी हेल्प करी और मज़ा आया। तो अभी मैं फटाफट नहा लेती हूँ, मैं नहा के निकल गई हूँ और खाना भी मैंने लगा दिया है, रोटी नहा के निकलने के बाद बना दी थी। तो यहाँ पर आज हमारे खाने में कुछ घी स्पेशल है, यानी ये लौकी की सब्जी रोटी और वो शिमला मिर्ची बेसन की सब्जी। तो मैं और चिकू मम्मी तीनों जने यहीं पर बैठ के खाना खा रहे। कैसी बनी शिमला मिर्ची वाली, आपको तो फेवरेट है ना, तीनों चीज़ें फेवरेट है। खाना खा लिया है और अब थोड़े बाल बना देती हूँ, पर वॉच पहन लेती हूँ, वॉच चार्ज हो गई होगी मेरी। हैं चार्ज ही नहीं हुई है, पावर बैंक भी, और केबल ही पूरी नहीं लगी हुई है। चिकू को जाके बोलूँगी हंसेंगे वो भी। चिकू अभी मेरे साथ एक जोरदार चीज़ होगी, मैंने कब से घड़ी चार्ज पे रखी हुई है, मतलब चार्ज क्यों नहीं हुई हो, फिर देखा मैंने डाटा केबल जो डाली हुई थी वो पूरी डाली हुई नहीं थी, थोड़ी सी डाली हुई थी, और फिर मैं सोची थी पावर बैंक चार्ज नहीं होगा शायद इसलिए नहीं हुई होगी, पावर बैंक भी फुल चार्ज था पर केबल ही पूरी नहीं डाली। अब ले ले वापस, हाँ दुकान ही लेके जाना पड़ेगा। मैं गाड़ी पर बाहर तक आ गई थी, फिर मुझे याद आया कि रोशनी ने मुझे बोला था कि दीदी आपके घर पर सीताफल लगे हुए हैं तो लेके आना एक,
तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। मम्मी ने पका भी दिए हैं हालांकि कुछ, पर होंगे कि नहीं होंगे देखना पड़ेगा, नहीं होगा तो कच्चा ही ले जाऊंगी। और मेरे कैमरे की बैटरी भी लो लो, क्या दो ही डंडे बचे थे, एक एक्स्ट्रा बैटरी ले लेते। बहुत सारे रहते हैं ऊपर भी है, पर मिट्टू खा जाते हैं आके सुबह। मम्मी सीताफल है, सीताफल है, रोशनी ने खावा था। पाकिल नहीं कासा की है, एक एक्स्ट्रा बैटरी ले लेते। घर पे गई होगी खाना खाने के लिए, तो मैं अभी बाहर बैठती हूँ। तो शॉप पे आने के बाद आज डिसाइड हुआ है कि रोशनी का होगा स्मूथनिंग। तो रोशनी यहाँ पर अभी एक बार तो सीताफल खा रही है, एक थोड़ा सा पका हुआ है तो कह रही है खा लेती हूँ, और फिर हम स्मूथनिंग तैयार करते हैं। आज रोशनी मैडम के बाल फाइनली स्ट्रेट हो जाएंगे। नेहा को फ़ोन करना, आज मेरे स्मूथनिंग आ नहीं रही, क्योंकि सब जने देखो स्ट्रेट के लिए ही चिढ़ाते हैं। सो अभी हो गया है रोशनी का स्मूथनिंग प्रोसेस स्टार्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट क्रीम लग चुकी है, और रोशनी के बाल तो आपने ऑलरेडी पहले से देख ही रखे हैं कितने ज़्यादा झाड़ू हैं। ये खुद कहती है कि बर्तन धोने का कूसा है। तो आज कूसा फाइनली रेशमी बालों में इंक्लूडेड होने जा रहा है। सो आप अब रोशनी का आज तो मेकओवर देखने वाले, नहीं ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हो। हाफ प्रोसेस हो गया है बालों का, गजब लग रहे बाल, थका दिया आज तो रोशनी ने पूरा। इसके पीछे ही सुबह से लगे हुए हैं, अभी और सेकंड क्रीम अप्लाई हुई है। 15 मिनट तक मैडम अब फिक्स होके बैठे रहेंगे, बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकते। और अब आपको हम फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे रोशनी के बालों का, जबरदस्त वाला। आज तो रोशनी के चक्कर में भावना भी बेचारी घर पर नहीं गई है। क्या मैडम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कैसा फील हो रहा है? मस्त है मेरे बाल। ये हमारे रोशनी की स्मूथनिंग हो गई है। वाह क्या जबरदस्त का रिजल्ट आया है, कोई पहचान भी रहा है ये रोशनी है? कैसे लग रहे हैं रोशनी देखो पहले के बाल? बस है ही नहीं लग रहे मेरे को तो। अच्छा नकली लगा दिए वो, क्या कहते हैं खुशे से हट गए वो स्ट्रेट हो गए। मस्त यहाँ पे हो गए रोशनी के बाल कंप्लीट, और अब मैं भी फ्री हो गई हूँ। तो अब हम जाते हैं भाई घर पे, क्योंकि थक गए हैं, 7 बज गई है और भूख भी लग गई है। यहाँ पे रोशनी दाबे नहीं खा रही है, इसको भूख लगी थी तो ठीक है चलो खाई। चलो क्लोजिंग का टाइम हो गया है, अब जाते हैं अपन आगे वाली शॉप पे और वेट करते हैं चिकू का। चिकू आ चुके हैं मुझे लेने के लिए। चलो आज तो बिगर फोन के ही आ गया तो लेट ही इतने हो गए ना, तो काम भी तो करते हैं ऐसे ही लेट थोड़ी होते हैं। चिकू ने हिमायरा को बुलाया घर पे आने के बाद, तो वो कह रहे कुछ काम है लेके आते हैं, उसको लेके आ रही हूँ अभी। देखो मुझे भी पता नहीं है क्या काम है, लेके आऊँ फिर पता चले। सीधा है पहन लो। आपको है ना चाचा बुला रहे बेटा, ये आपका खाना भी ले लिया। चलो मम आज मेंढक नहीं है चिका। हां नहीं कर एक हद तक इसने गरज की चिकू की, क्या हुआ चलो अंदर जाना है घर पे भी ना। वाह चल क्या की, हाँ अब चाहिए। आप क्यों जा रहे हो घर पे? जा रहे क्यों? मैं आपको छोड़ने ही तो आ रहा हूँ। क्या हुआ? तो अब आपको क्या याद है क्या खाना जाना है कि रहना है? चलो खाना बनाते, निकाल दो चप्पल। अरे यार कंफ्यूज है तू भी। मम्मी मिलो, मम्मी मिलो, मम्मी मिलो, वीडियो कॉल करना है बनी को। मम्मी देखे हाँ
ए भाई यानी सूरिंद का एक नाटक है हाँ क्या वो चिढ़ा रही है ये भी तुमको कम थोड़ी सो फ्रेंड्स अभी भी जस्ट मैं रोटी बना के खाना खाने बैठ गई हूँ। यहाँ पर बनी है खाने में आलू की सब्जी और ये रोटी। सब्जी थोड़ी ढुल गई है और चिकू थोड़ा काम से बाहर गए, उन्होंने खा लिया जल्दी जल्दी मैं पहले ही, पर अब मैं खा लेती हूँ शांति से। खाना खा लिया है, अभी कपड़े समेट रहे हैं, आधे कपड़े मम्मी ने समेटे आधे मैंने, क्योंकि बैक टू बैक अभी कपड़े धुल ही रहे हैं इसलिए कपड़े समेट भी लिए साथ साथ में, क्योंकि इकट्ठे हो गए। हाँ पर ऊपर गार्ड लगा हुआ है, जरूरत नहीं रहती है। ये देख ना डस्ट यहाँ पे, देख यहाँ पे। हाँ नहीं कर दो फिर कहीं अंदर लेंस में चली जाएगी, लफड़ा हो जाएगा। ऊपर माइक पे दिख रही है, यहाँ तो बहुत है, यहाँ तो बहुत है। कैमरे का कोई वेट नहीं, ट्राइपॉड का वेट है, हालांकि आपको तो लगेगा ही वेट। क्या मिट्टी, ओह गजब की मिट्टी है। ये क्या कैप है, अभी पैक करेंगे इसको। दो कैप्स क्यों लाए हैं, क्योंकि हम लेंस को और अंदर के शटर को लॉक करेंगे। ये बहुत गजब की चीज है यार, बहुत गजब की चीज है, देखना देखो। हाँ। ज्यादा देर ओपन नहीं रख सकते। कैमरा स्लिम कितना लगेगा फिर तो, यानी वड़ने का ही होता है। पर गई है मिट्टी, मेला लग रहा है हल्का हल्का। नहीं वो ऐसा ही है, अभी इसको ब्रश से क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन से ब्रश से करोगे? ब्रश है मैंने निकाल रखा है। हाँ ये आटा ही लगा है, आटा लगी है। अब कितना फर्क लगेगा? मेरे कैमरे को क्या लगेगा, मेकअप के प्रोडक्ट लगेंगे, आटा लगेगा। अब देख लो ये कैमरा इतना हल्का, यानी मजा आ जाता है। लेंस भी हल्का ही है, वो बड़ा दिखता है। ये कौन सा लेंस जोरदार दिखता था यार अपने, ये से तो व्लॉगिंग करती थी सैमसंग वाले से तो। हाँ ये भी दिखने में तो बहुत जोरदार था। ये तो है छोटा ही था, इतना बड़ा नहीं था, ये तो है ही, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अपन ने कल फोटोज किससे क्लिक किए? हाँ ये दिखने में बहुत अच्छा है, क्यूट है, दिखने में क्यूट ही पाई। फटाफट से क्लीन कर दूँ मैं। एक टाइम ऐसा था ना कि कभी आपको हमारी स्ट्रगल स्टोरी भी सुनाएंगे। क्यूटी पाई नहीं नहीं कर रहा है। कोई भी भाई बहन जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जो कैमरा यूज़ करते हैं और कैमरा क्लीन करने में प्रॉब्लम होती है, तो अब ये मामा अर्थ का वेट वाइप्स यूज़ कर सकते हो। बहुत ही यानी अच्छा है, यानी मेरे को तो बहुत सही चीज़ लगी है ना। और चिकू तो उनके कैमराज वगैरह क्लीन करने में माहिर है, यानी और सूख जाए तो वो वैसे केयर कर लेंगे। हाँ अवेयर के रख देने के, ये हमने अवेयर के रखे, क्योंकि बहुत टाइम ये लेंस वगैरह क्लीन, हाँ लेंस वगैरह क्लीन कर, वगैरह क्लीन करने सूखे हुए काम आते हैं। अब जैसे एक और ऑलमोस्ट कितने जने अभी भी कहेंगे लेंस पे स्क्रैच नहीं लगेंगे मुझे मिट्टी के, बट लेंस के ऊपर हमेशा हम गार्ड लगा के ही रखते हैं। अभी भी लगा हुआ प्रोटेक्टर तो रहता ही है इसके, सारे लेंसेज के ऊपर गार्ड्स रहते हैं, सिर्फ इसी लेंस के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये लेंस थोड़ा ओवल है ऊपर से। गार्ड जरूरी, गार्ड जरूरी। अब ये कल परसों में से टक्कर लग गई थी यहाँ दीवार, चकाचक हो रहा है यार वाकई, पूरा चकाचक। कहीं पे ब्रश भी लगाने की जरूरत नहीं, बाकी आप पहले ब्रश भी लेके बैठते। अब ये जैसे यहाँ पे ग्लास है ना, थोड़ा गीला अड़ा के सुखा लो, कंप्लीट क्लीन, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, कांच पूरा। ये तो ऊपर फिल्टर लगा हुआ है, पर ये तो बहुत गंदा हो गया है बेटी। ये तो प्रोटीन में नहीं, जो ये थोड़ा सा पानी में धो दो। नहीं रहना इसके, अपने दूसरे लेंस का
हो जाएंगे। तुम करो व्लॉग। ऐसे कौन करता है बेबी। मेरा पूरा कैमरा तैयार हो गया कंप्लीट, तो बस यहीं पर हम ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। साथ में कल इसी फ्रेश फ्रेश कैमरे से ब्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे। आज का ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय।